ऐसी एनिमेशन ना आप ही बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। वेलकम टू द शॉर्ट ट्यूटोरियल ऑफ प्रीमियर प्रो, हाउ टू मेक सर्कुलर प्रोग्रेस बार। तो ये है मेरे सामने प्रीमियर प्रो का एक प्रोजेक्ट, मैंने इसको प्रीमियर में ओपन कर लिया। अब बार कैसे बनानी है, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये यहाँ पे हमारे सामने शेप्स हैं। सबसे पहले हमें जो रेडियल शेप चाहिए वो है हमारा एलिप्स टूल, इसको हम सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे। कोशिश कीजिएगा बिल्कुल एक एक्यूरेट बने। ओके, ये मैं इसको यहाँ पर, अब हमें इसको अलाइन करने के लिए हम विंडोज़ में जाके एसेंशियल ग्राफिक्स का एक पैनल खोल लेंगे। हम सबसे पहले इसको अलाइन कर लेंगे ताकि हर चीज़ एक प्रॉपर सेट हो जाए, उसके बाद हम इस पर सारा कुछ लगाएंगे। अच्छा, दूसरे बात यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास इधर फिल का ऑप्शन है और हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन है। जब आप इसको बनाएंगे तो हो सकता है आपका ये फिल एरिया ऑन हो और स्ट्रोक आपका ऑफ हो। तो आपने करना क्या है, आपने इस फिल को ऑफ करके इस स्ट्रोक को ऑन कर लेना है। यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देंगे तो आपके सामने इसने एक सर्कुलर स्ट्रोक की शक्ल बना ली। अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें कोई भी कलर करना है, चाहे ग्रीन करना है या ब्लू करना है या जैसा भी आपको कलर सूट करता है। हम फिलहाल इसको वाइट कर देते हैं। यहाँ से हम एक और स्ट्रोक इसके ऊपर ले सकते हैं, यहाँ से हम ऐड स्ट्रोक करेंगे। अगर हमें कोई छोटा मोटा स्ट्रोक चाहिए तो हम साथ एक इसके स्ट्रोक ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ से मैं इसको माइनस करूँ। अभी हम फिलहाल इसी पे ही इफ़ेक्ट लगाते हैं। इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ, थोड़ा सा मैं साइज़ इसका इंक्रीज़ करूँ। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास टाइमलाइन में ये एक ग्राफिक की प्रॉपर्टी आ गई है। इस पे हमने लगाना है इफ़ेक्ट। सबसे पहले आपने जाना है इफ़ेक्ट्स में, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स, यहाँ पे आपने लिखना है रेडियल वाइप। ओके, ये रेडियल वाइप हमारे पास आ गया। हम इसको ड्रैग करके ग्राफिक के ऊपर ड्रॉप करेंगे। आगे क्या करना है, आगे बस छोटी मोटी हमने सेटिंग करनी है। और सेटिंग किस तरह होगी कि ये हमारे पास है ट्रांजिशन कम्प्लीशन, हम इसको सेट करेंगे। ये अगर आप देख रहे हो तो मैं इसको यूँ यूँ 100% करूँ तो 100% बिल्कुल ख़त्म फिन कम्प्लीट हो जाती है। तो मैं इसको किस तरह सेट करूँगा, अभी तो हमारी जो चीज़ चल रही है क्लॉकवाइज, इसको अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है तो यहाँ पर हमारे पास नीचे एक काउंटर क्लॉक आ रहा है। काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि हमारी जो चलेगी अब वो क्लॉकवाइज चलेगी, ऊपर वाली एंटी क्लॉकवाइज चल रही, ये हमारी चल रही है क्लॉकवाइज, और नीचे हमारी चलेगी बोथ। बोथ मतलब ये कि एक पॉइंट से शुरू होगी और दूसरे पॉइंट पे हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। तीन तरह की चीज़ें। उसके बाद क्या करना है, हमें फ़िलहाल चाहिए क्लॉकवाइज। हम एक की फ्रेम लगाएंगे जो कि हमारा एक शॉट चल रहा है, उस शॉट चलते चलते हमारी लोडिंग भी ऐसे कम्प्लीट हो जाए। तो वो हम किस तरह करेंगे, हमने पहले क्या करना है, हम यहाँ पर जाके इधर हम यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज कर देता हूँ ताकि घड़ी की तरह ये चीज़ कंप्लीट हो। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें सारी बातें 100% करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल एक ख़त्म करना है इसको। और कुछ हम चाह रहे हैं कि कुछ सेकंड बाद हमारे पास ये लोडिंग कंप्लीट हो जाए। तो मैं यहाँ पर रख के यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा और इसको मैं कर दूँगा 100%, और 100% में हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हम इसको चला कर देखते हैं। ओके, परफेक्ट, हमारे बिल्कुल ये एक परफेक्ट सर्कुलर रेडियल बन चुका है। हमने करना क्या है, अब इस पर एक एनिमेशन होती है ईज़ इन ईज़ आउट। अब इस जो अपने पास सर्कुलर चीज़ बनाई है, अब इसको ज़्यादा स्मूथ भी कर सकते हो। वो कैसे होगा कि मैं इसको सबसे पहले दोनों को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं ईज़ इन कर दूँगा ताकि मेरी एनिमेशन एक स्पीड में स्टार्ट हो और स्लोली क्लोज हो। इसको हम कहते हैं ईज़ इन इफ़ेक्ट। जैसे यहाँ पर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो ये बिल्कुल एक स्लोली कम्प्लीट हो रहा है, दिस वन। आप इसको यहाँ से जाके अपने हिसाब से ग्राफ पीस का सेट कर सकते हैं, लेकिन ये आप अपनी सेटिंग के मुताबिक इसको कर सकते हैं। मुझे फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको जस्ट ईज़ इन ही कर दिए। यहाँ से आप इस पे फैदर भी लगा सकते हैं, आपको कितना फैदर चाहिए। तो एक हमारे पास ज़रा अच्छी टाइप की एक प्रॉपर फैंसी से लोडिंग हमारे पास बन जाती है। यहाँ से मैंने फैदर भी इस पर ऐड कर दिया। यहाँ से आप वाइप सेंटर, आपको कितना वाइप का एरिया शो करवाना है या कितना नहीं करवाना, अब वो भी यहाँ भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फैदर वाला ऑप्शन अच्छा है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, दिस वन। तो ये एनिमेशन है, ये आप एनिमेशन ट्राई कर सकते हैं। ये छोटा सा ट्यूटोरियल था, मैंने सोचा थोड़ा सा प्रीमियर का भी एक छोटी मोटी चीज़ बता दी जाए। डाविंची का तो कंटिन्यू हम कर ही रहे हैं, साथ साथ प्रीमियर का भी छोटा सा एक
अच्छी टिप होती है ये वाली, कभी कभी काम आ जाती है, छोटी छोटी वीडियो भी कभी काम आ जाती है। तो ये थी एक छोटी सी क्लास, आगे भी इस तरह की क्लासेस आएंगी, जरूरी नहीं कि डविंची को ही हम करेंगे, जितना हो सका हम छोटी छोटी टिप्स वगैरह को फॉलोअप करते रहें। शेयर कीजिए इस वीडियो को और जितना हो सकता है, क्योंकि कभी ना कभी किसी को इस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।